निमोनिया के खतरे को देखते हुए और इससे शिशुओं को सुरक्षित रखने के लिए एक नई वैक्सीन सरकार द्वारा शुरू की जा रही है। इस वैक्सीन से निमोनिया के कारण होने वाले शिशुओं की मौतों पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। ये जानकारी सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर आरएस राणा ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। राणा ने बताया कि इस वैक्सीन का नाम फेनिमोकल कंजक्यूटिव वैक्सीन है। उन्होंने बताया कि देश में ये वैक्सीन सिर्फ यूपी और बिहार के कुछ जिलों में शुरू की जा रही है, लेकिन हिमाचल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक साथ सभी जिलों में इसे शुरू किया जाएगा। राणा ने बताया कि निमोनिया कई तरह का होता है और इसके विभिन्न कारण होते हैं। फेनिमोकल नामक वायरस इनमें से एक है और इस वायरस के कारण 20% तक निमोनिया तैयार होता है। इसलिए इस वायरस को खत्म करके निमोनिया से काफी शिशुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिस तरह रोटोवायरस वैक्सीन से डायरिया पर नियंत्रण पाया गया, उसी तरह से ये वैक्सीन भी काफी असरदार होगी। उनका कहना है कि ये वैक्सीन प्रचलन में है, लेकिन महंगी होने के कारण आम आदमी की पहुंच से दूर है। इसकी एक डोज की कीमत 3 से 4 हजार है और एक वर्ष तक के शिशुओं को इसकी 3 डोजें दी जाएंगी जो कि निशुल्क होंगी। राणा ने बताया कि ये वैक्सीन जून माह से शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद विभिन्न स्तर पर इसके इस्तेमाल का प्रशिक्षण देकर इसे शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये डोज शिशु को 6 सप्ताह और 14 सप्ताह के होने पर दी जाएगी, साथ ही शिशु के 9 माह के होने पर बूस्टर डोज दी जाएगी। जो वर्कशॉप ईसीबी जो हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसके बारे में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टीओटी तैयार करने थे उनके लिए की जा रही है। ईसीबी जो वैक्सीन है वो जो निमोनिया होता है बच्चों में अंडर 5 ईयर, उसको प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। और ये देखा गया है कि अंडर 5 बच्चे जो है लगभग 10 लाख बच्चों की जो मौत हर साल होती है, और इसमें 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन निमोनिया की हिंदुस्तान की है। और 2 साल के जो बच्चे हैं 80% से ज्यादा जो है कि मौतें इस निमोनिया से होती है। डायरिया और निमोनिया एक मेजर कॉज ऑफ डेथ है बच्चों में। रोटा वायरस इंट्रोड्यूस करने के बाद जो डायरिया की डेथ बहुत कम हुई है। आशा है कि ये निमोनिया जो है किसी भी इंट्रोड्यूस करने के बाद जो कि 16% बच्चों में पाया जाता है जो डेथ इसके कारण होती है, उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। ये बड़ी हर्ष की बात है कि 3 स्टेट्स में ये की जा रही है, यूपी बिहार एंड हिमाचल प्रदेश। खुशी इस बात की है कि ये जो वैक्सीन लॉन्च की जा रही है सारे हिमाचल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं एक बार में भी उनको लॉन्च कर रहे हैं, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इसको फेज मैनर में किया जा रहा है। ये हमारा इस भाग्य है कि ये बाकी जो जितनी वैक्सीन थी उनको भी यहां से लॉन्च किया गया, ये वैक्सीन भी हिमाचल प्रदेश से लॉन्च की जा रही है। इसका कारण है कि हिमाचल प्रदेश एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, जिसके कारण जो है कि हमें बाकी स्टेट से जो है कि प्रायोरिटी दी जा रही है।